बुलंदशहर में चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से मकान, दीवार, एसटी लाइन और विशाल पेड़ गिरे। आधा दर्जन से अधिक मकानों में बताया जा रहा नुकसान। आम के बाद धान और गन्ने की फसलों में भी भारी तबाही। 150 मीटर की परिधि में दिखा चक्रवर्ती तूफान। चक्रवाती तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों का ग्रामीणों ने किया रुख। असैना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव और चिगरावटी में दिखा चक्रवाती तूफान का असर। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंदशहर। नाम मेरा नाम योगेश कुमार है। कहाँ के निवासी? मैं चिंगरावटी का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर, डाकखाना सामने। अच्छा, क्या ये अभी तूफान आया है? ये तूफान आया था, तूफान में मकान फट गया। कैसा तूफान था? तूफान बहुत भयंकर तूफान था। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? करीब बहुत नुकसान हो गया, क्या इसकी वो करी जा सकती है तुलना। आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान मकान ढहा पड़ा है हमारा, दीवार गिरी पड़ी है, सब पेड़ पौधे सब टूट गए, सब ये पड़ी सब पर है। बाकी आप वीडियो घुमा लें। नाम आपका? अजय कुमार। कहाँ के निवासी हो? गांव चिंगरावटी। अच्छा, तो अभी तूफान आया है, किस तरह? 1:30 बजे करीब हमारे गांव में तूफान आया, उसमें करीब 30-35 घर को क्षति हुई है, भारी क्षति। किस तरीके का तूफान था? तूफान था एक तरह का बवंडर टाइप तूफान था। कितनी चौड़ाई होगी? कितनी चौड़ाई होगी? 50-100 मीटर। अच्छा, कितने मकान और बाग? बागों में, फसलों में, 20-30 मकानों में सबकी छत, दीवार सब ढह गई। तो प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर? प्रशासन के क्या कहते हैं, लेखपाल मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन से और शासन से क्या गुजारिश है भाई, क्षति की पूर्ति करी जाए, जिन गरीब लोगों की क्षति होगी। We'll be right back.